नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम PTT जो परीक्षा हुई थी कल हमारी, उसकी सेकंड पारी का जो पेपर है उसका अपन साथियों टीचिंग एप्टीट्यूड भाग ब लेकर के आए हैं। सेकंड पारी का टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर साथियों आंसर की लेके आया हूँ मैं आपके सामने। साथियों, इसमें अपने 51 से लेकर के 100% थे जो पूरे के पूरे इस आंसर के में आपको मिलेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है सामने। तो साथियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों बिल्कुल भी मत भूलना, और आपका एक प्यार देने के लिए लाइक बटन को दबाना भी मत भूलना। चलिए साथियों, हम आपकी आज की जो PTT की आंसर की है इसको शुरू करते हैं। तो पहला साथियों 51 नंबर प्रश्न था आपने कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अंत्यवैयक्तिक लिए सही है। तो साथियों, इसका ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल सही था। अगला है साथियों, अगला है कि प्रश्न नंबर 52 देखिए साथियों, 52 नंबर प्रश्न था अपना कि विद्यालय में एक अध्यापक के लिए अपने विभिन्न सांस्कृतिक और के वाले साथी अध्यापकों को अंत्यवैयक्तिक कौशल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय है। तो बातचीत साथियों इसमें देखो, मुस्कुराहट के साथ में, चिंतन के साथ, विभिन्नताओं का आदर करना। तो साथियों, इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्नताओं का आदर करना। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न है साथियों कि शैलेश एक विद्यार्थी है जिसकी बुद्धि कम है, उसके अधिगम के लिए आप शिक्षक के हैं तो क्या करेंगे। तो विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, सरल भाषा में उसको पुनरावृत्ति कराएंगे, या उसकी सामान्य गति को अपने जारी रखेंगे, अपनी जो सामान्य गति को जारी रखेंगे, या स्पष्ट करने तो चित्रों का उपयोग करेंगे। तो साथियों 53 नंबर का, यानी कि उस विद्यार्थी की बुद्धि है कम है, तो इसके सुधार के लिए साथियों स्पष्ट करने हेतु उस टॉपिक से उनको चित्र भी उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर साथियों 54 नंबर प्रश्न की 54 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा है कि जिस गाँव में आप शिक्षक लगे हुए हैं उस गाँव में लोगों के मध्य तनाव है, तो शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। तो देखो साथियों, इसके ऑप्शन लिखे हैं आपके सामने कि आप क्या करेंगे, शांत करवाएंगे, या सरपंच की सहायता से मुद्दा सुलझाएंगे, या व्यक्तिगत असमानताओं को उसके इनकी कारणों को खोजेंगे, या केवल अपने विद्यालय का कार्य करते रहेंगे। तो साथियों, इनकी वो तनाव किस कारण है, पहले सबसे पहले उसका कारण पता करेंगे, कारण पता चल गया तो हम उसके समाधान भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है साथियों 55 नंबर प्रश्न है कि एक अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरणों को स्थापित करना, पृष्ठपोषण प्रदान करना, प्रबंध में सम्मिलित होना, निर्देशन देना। तो साथियों, अध्यापक के लिए सबसे अच्छा गुण है उदाहरण स्थापित करना, यानी उदाहरणों के द्वारा अध्यापक के सर्व कौशल का विकास पता चलता है। चलिए अगले 56 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, अगला प्रश्न नंबर है अपना कि कक्षा हेतु पाठ योजना के नियोजन के समय ध्यान में रखा जाने वाला कौन सा विकास है। तो साथियों, विकास होगा संवेदनात्मक विकास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला है कि कक्षा में का अनुशासन प्रभावी रूप से बनाया जा सकता है किसके द्वारा। अनुशासनहीनता के कारण जानकर और तदनुसार क्रिया करके, विद्यार्थियों के बीच में रुचिकर कार्यक्रम प्रदान करके, विद्यार्थी को जो चाहते हैं उनके कारण देखकर, सहायक सामग्री से शिक्षण करवा के। तो साथियों, इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सहायक सामग्री से यदि हम शिक्षण कार्य कराते हैं तो उनके साथियों विद्यार्थियों रुचि बढ़ जाएगी और अनुशासन और प्रभावी हो सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 58 है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा बालकों में संवेगात्मक परिपक्वता का विकास में सहायक है। तो साथियों, उन्हें उनकी रुचि के कार्य में लगना, संवेगों का समुचित दिशा प्रदान करना, या प्रेम की भावना का विकास करना, या संवेगात्मक प्रशिक्षण देना। तो साथियों, उनका संवेगों के प्रति दिशा का प्रदान करना, इनकी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है साथियों 59 नंबर प्रश्न है कि यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपसे अधिक विद्यार्थी विषय वस्तु नहीं समझ रहे हैं, तो इनकी जो आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और अधिक विद्यार्थी है जो उस विषय को समझ नहीं रहे हैं, जो आप विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु को नहीं समझ रहे हैं, तो इसके लिए साथियों क्या करेंगे। तो देखिए, इसके लिए लिखा है
कि विषय वस्तु को अतिरिक्त निर्देशन और उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे, इसके कारण जानने का प्रयास करेंगे, जितना हो सके उतने तेज गति से पढ़ाएंगे, अपनी शिक्षण की गति को धीमा करेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले अपने ये काम करेंगे कि इनके कारण जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये समझ क्यों नहीं रहे हमारी शिक्षण विधि में, या जो आप विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित क्या कारण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका बी सही है। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 60 है कि एक व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता निम्नलिखित में से कौन से कारकों से मुख्यतः प्रभावी होती है, यानी कि एक व्यक्ति है उसकी सामाजिक परिपक्वता कौन से कारणों से। तो पहला है व्यक्तिगत का शैक्षणिक स्तर, परिवार का वातावरण, उसकी माता पिता का व्यवहार या परिवार का व्यवहार। तो साथियों, यदि आपने देखा होगा कि सबसे पहले यदि बालक की व्यक्ति की यदि सामाजिक कंडीशन देखी जाती है तो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट कारण होता है उसका माता पिता का व्यवहार, यानी कि उसे माता पिता के व्यवहार को देख के बालक अपना व्यवहार सीखता है, यानी कि उसका माता पिता का व्यवहार कैसा है। यदि माता पिता के अच्छे संस्कार है तो बालक अच्छे संस्कार वाला होगा, अच्छे सामाजिक परिवेश का होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 61 है कि एक व्यक्ति की अनुभवों की योग्यता का अर्थ है उसे अन्य व्यक्तियों को एक सहभागी के रूप में लगाना, दूसरों को कुछ कहने के लिए प्रेरित करना, दूसरों को अपने विचार का पर विश्वास दिलाना, एक समय पर बहुत से विचारों का प्रयोग करना। इनकी यदि आपके अंदर अनुभव है, इनकी अनुभव के अर्थ क्या होगा, तो साथियों होगा इसका हो जाएगा कि अनेक व्यक्तियों के साथ सहभागी के रूप में लगा देते हैं कि अब अनुभव वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ सहयोग कर सकता है और उनके सहभागिता निभा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है साथियों, प्रश्न नंबर 62 है अपना कि एक अध्यापक को अपने शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, एक दूरगामी दृष्टि प्रदान करने के सहायक होते हैं, यह समय और संसाधनों को व्यवस्थित करने का सहायक होते हैं, यह स्वयं की कमजोरियों की स्वीकारता में सहायक होते हैं, या ये योजना निर्माण और उनके अनुसार शिक्षण सहायक में। तो साथियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है जो इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न साथियों, 63 नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायकता के लिए अध्यापक के नेतृत्व का निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वाधिक उपयुक्त है, एक प्रजातांत्रिक अनुशासनकर्ता, एक पित्र वर्तन अनुसंधानकर्ता, एक अनुसंधानकर्ता या एक तांत्रिक अनुसंधानकर्ता। साथियों, शिक्षक यदि प्रजातांत्रिक के रूप में इनके सबको समान व्यवहार से देखेगा, अनुसंधान करेगा, इनकी अनुशासनकर्ता रहेगा तो सही रहेगा। 63 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 66 है साथियों कि किसी उत्तर का मूल्यांकन अंकित होना चाहिए, भाषाई प्रस्तुतिकरण पर, विषय वस्तु की समझ पर, तार्किक क्रम पर या लिखावट पर। तो साथियों, इनकी किसी भी मूल्यांकन का जो आधार है वो एक उसकी उस मूल्यांकन आप करें तो उसकी विषय वस्तु के प्रति कितनी समझ है, यानी उस विषय जो आपने प्रश्न दिया है उस विषय वस्तु समझने कितना लिखा है, और ए नंबर यदि आपने दिया है तो 3 नंबर मिलेंगे और तार्किक क्रम आपने दे रखा है तो 2 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 68 है कि आपका साथी आपसे कुछ ऐसी प्रक्रिया समझता है जो आपके शिक्षण की अधिक बेहतर प्रभावी बन सकता है, आप विचारों को शांतिपूर्वक स्वीकार करेंगे, आप इसके लिए आभार देंगे और प्रयोग करेंगे, पूर्व की भांति शांतिपूर्वक कार्य करते रहेंगे या उसे धन्यवाद देंगे। आपको यदि कोई आपका साथी विचार देता है जो आपके शिक्षण के लिए और अधिक, यानी कि आपके शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकता है, तो आप उनके लिए क्या करेंगे साथियों, उनको आभार देंगे और उनके विचारों का प्रयोग करेंगे कि क्या वास्तव में ये कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर साथियों अपना ये था 65 नंबर प्रश्न था साथियों, ये अपना प्रश्न नंबर है 66 नंबर प्रश्न है। देखिए 66 नंबर प्रश्न है कि एक शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अच्छे संबंध आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, अधिगम को सरल बनाने हेतु, अनुशासन बनाए रखने हेतु, कक्षा वातावरण और सौंदर्यपूर्ण, या विद्यार्थी के ट्यूशन आने के लिए आकर्षित करने हेतु। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा और रहेगा कक्षा कक्ष का वातावरण को सौंदर्यपूर्वक बनाने के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यदि शिक्षक और छात्र यदि दोनों के मध्य संबंध अच्छे रहेंगे तो कक्षा में बहुत अच्छा वातावरण रहेगा और उनका शिक्षण जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होगा जब उनके संबंध मधुर रहते हैं तब। चलिए साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 है कि व्यावसायिकता से तात्पर्य है व्यावसायिक आधार संहिता का मूल्यांकन करता है,
प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहभागिता है, वेतन हेतु कार्य करता है या बालकों के प्रति उत्तरदायी होता है, तो व्यवस्थाई कहते हैं प्रशिक्षण कार्य में सहभागिता साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका। अगला है अपना कि 68 नंबर प्रश्न है कि श्याम पट पर लिखते समय आप ध्यान रखेंगे लिखे गए शब्द अंतिम पंक्ति में बैठे छात्रों को स्पष्ट दिखाई दे, रंगीन चौक का प्रयोग मुख्य बिंदुओं के लिए हाईलाइट करें, लिखे गए शब्द सीधी रेखा में हो या श्याम पट लेखन बिना बोले बातें करेंगे। तो देखिए साथियों, श्याम पट पर लिखते हैं तो सबसे पहला गुण यही होना चाहिए कि आप जो भी श्याम पट पर लिख रहे हैं वो पीछे बैठा अंतिम पंक्ति में जो छात्र बैठा है उसको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, पहला गुण यही होना चाहिए शिक्षक का, तो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही रहेगा। अगला है साथियों 69 नंबर में देखो लिखा हुआ है कि आपका एक विद्यार्थी आपके शिक्षण के बीच में अथवा जब आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रकरण को समझा रहे हैं तब प्रश्न पूछता है, तो आप उस प्रकरण को पूर्ण करने के पश्चात पूछने को कहेंगे, उसे प्रश्न को छोड़कर उसको सुनने के उस प्रश्न छोड़कर आपको सुनने को कहेंगे, उसके अंतर्दृष्टि वाले प्रश्न पूछेंगे जो उसे चिंतन में सहायक बने, या ध्येयपूर्वक सुनकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इनकी जब आप कोई उस कक्षा कक्ष के अंदर मतलब उस कोई अच्छे एक टॉपिक है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, और उस दृष्टिकोण में यदि कोई छात्र आपसे प्रश्न पूछता है तो आप उसे क्या कहेंगे, तो साथियों इसके लिए होगा कि उससे अंतर्दृष्टि वाले प्रश्न पूछेंगे जो उनके चिंतन में सहायक हो, इनके उस विद्यार्थी का डाउट दूर करना है तो उसका चिंतन बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए साथियों हम उसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही करते हैं। अगला है साथियों 70 नंबर प्रश्न है साथियों की शाब्दिक संप्रेषण का संप्रेषण विधि उपयोगी है, संप्रेषण सहयोगात्मक प्राप्ति के संघर्ष निवारण में, बाह्य लोगों से संप्रेषण में या संदेश गोपनीयता बनाने में, या दूसरों को निर्देश देने में, तो साथियों इसका सहयोग प्राप्ति और संघर्ष निवारण में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला साथियों प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के लिए सर्वाधिक उपयोगी बाधा है, तो साथियों इसकी बाधा होती है कि अवधान या अभिरुचि नहीं होगी, अभिरुचि में सबसे अधिक अभिरुचि नहीं होगी तो उनकी बाधा, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगला आता है साथियों 72 नंबर प्रश्न है अपना 72 नंबर प्रश्न है कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी का खराब आदत छुड़वाने के लिए, इनकी अपनी कक्षा में विद्यार्थी खराब आदत छुड़वाने क्या करेंगे, उसे दंड देंगे, उस आदत के परिणामों को स्पष्ट करेंगे, उनके माता पिता को सूचना देंगे, या माता पिता से मिलने और इसके लिए एक व्यूह रचना करेंगे, तो सही ऑप्शन रहेगा डी, आदत छुड़वानी है साथियों एक विद्यार्थी की गंदी आदत छुड़वानी तो उनके माता पिता के साथ मिलकर के एक ऐसी व्यूह रचना करेंगे ताकि उनकी आदत छूट सके। अगला है साथियों 73 नंबर प्रश्न है कि यदि छात्र को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, तो सबसे देखो प्राथमिक उपचार करेंगे, प्राथमिक प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, अभिभावक को बुलाएंगे या उन्हें घर भेज देंगे, तो यदि आपने देखा है मिर्गी का दौरा पड़ता है तो सबसे पहले उसका प्राथमिक उपचार करेंगे, फिर हम उसके बाद में आगे काम करेंगे। अगला है साथियों प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न है कि आपके अनुसार जागरूकता आवश्यक है शिक्षण संस्थानों में, परिवार में, संपूर्ण जीवन में, या ये आवश्यक नहीं, तो जागरूकता साथियों संपूर्ण जीवन में आवश्यक है, पूरे जीवन यदि अपन जागरूक रहेंगे तो ही अपना पूरा जीवन प्रभावी ढंग से जी सकते हैं, तो सही ऑप्शन रहेगा सी। अगला है साथियों 75 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व को प्रभावी शैली है, विकासात्मक, नौकरशाही, कार्यशाही या हितकारी, तो इसका सही आंसर रहेगा साथियों विकासात्मक ऑप्शन नंबर ए। अगला है साथियों 76 नंबर प्रश्न है अपना कि विद्यालय प्रबंध समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विद्यालय सुधार में अभिभावकों शामिल करना, धनराशि जुटाना, विद्यालय के नवीन विचारों का प्रयोग करना, तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा विद्यालय में नवीन विचारों का प्रारंभ करना। अगला है साथियों 75 प्रश्न नंबर अपना 77 प्रश्न नंबर है कि यदि आप विद्यार्थियों की अधिकतम सक्रिय सहभागिता चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे, इनकी विद्यार्थी अधिक सक्रिय हो इसके लिए आप परिचर्चा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे या प्रयोजना करेंगे, व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, तो सबसे अधिक रहेगा परिचर्चा करेंगे जिसमें विद्यार्थी अधिक सक्रिय रहेंगे, उनके प्रश्न उत्तर करेंगे, उनसे पूछेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है साथ प्रश्न नंबर 78 है कि विद्यालय में किस पाठ्य सामग्री की क्रिया के आयोजन के लिए आप प्राथमिकता देंगे, तो इसका साथ देखिए ऑप्शन लिखे हुए हैं अंतर्क्रियात्मक सामूहिक क्रियाएँ, व्यक्तिगत क्रियाएँ जिन्हें विद्यार्थी प्राथमिकता देंगे,
जिसमें कक्षा में मॉनिटर की रुचि हो, तो साथ ही इसकी सही आंसर रहेगा वो रहेगा अंतः सामूहिक क्रियाएं, अंतः क्रियात्मक समूह क्रियाएं करेंगे। अगला है साथियों 79 प्रश्न है कि एक नवीनतम नव नियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा से पहले दिन आप क्या करेंगे। यदि आप नव नियुक्त शिक्षक है, आप कक्षा में पहले दिन क्या करेंगे। कक्षा में व्यवहार के मानदंड बताएंगे, विद्यार्थी के साथ पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, विद्यार्थियों के साथ संक्षिप्त परिचय करेंगे या उन्हें अपने परिवार के बारे में बताएंगे। तो साथियों इसका सही आंसर रहता है वो रहता है कि आप जिस कक्षा में पढ़ाने जाएंगे तो सबसे पहले आप उस कक्षा में जाकर के आप बताएंगे हम इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे, तो सबसे ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। साथियों आपको हमारी आंसर की कैसी लग रही है, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इसका कमेंट में हमें कमेंट करके उत्तर बताते रहिएगा। अगला है साथियों प्रश्न नंबर अपना 80 नंबर प्रश्न है साथियों, 80 नंबर प्रश्न है कि देखिए 80 नंबर प्रश्न लिखा है कि शिक्षण अधिगम के दौरान आपकी विषय वस्तु वितरण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित होता है। शब्दों की स्पष्टि और शुद्धता, विषय वस्तु की स्पष्टता, उपयुक्तता या तीव्र निवारण। तो साथियों ये रहेगा विषय वस्तु की स्पष्टता, सही ऑप्शन बी। अगला है साथियों 81 नंबर प्रश्न है अपना कि एक अध्यापक को अपने शिक्षण में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह सहायक है विद्यार्थी के अवधान केंद्रण में, अध्यापक के भार कम करने में, कक्षा अनुशासन बनाए रखने में या विद्यार्थी को अधिगम बढ़ाने में। तो साथियों शिक्षण अपने अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री की बात कह रहे हैं तो ये विद्यार्थियों को अधिगम बढ़ाने में बहुत सहायक होती है, इनकी ध्यान केंद्रण में भी सही है। इनकी यदि आपने ये डी लिखा है, तीन है ए लिखा है, तो डी और ए में से आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है साथियों 82 नंबर प्रश्न है कि आप और आपका साथी विद्यार्थियों की वर्तमान समस्या पर सामान्य परिचर्चा कर रहे हैं, तब अलग अलग राय के कारण एक खराब माहौल यानी बहस की स्थिति आ जाती है, तो आप क्या करेंगे। शांत होकर कहेंगे कि असहमति पर भी सहमत हो जाते हैं, अपने दृष्टिकोण को कायम रखेंगे, बहस जोर करेंगे, परिचर्चा बंद कर देंगे और दूसरे काम कर लग जाएंगे, या बहस ख़त्म कर देंगे और यह दिखाएंगे कि आपने आप उनका दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया है। तो डी ऑप्शन इनका बिल्कुल सही है। अगला साथियों प्रश्न नंबर था अपना 83 प्रश्न नंबर साथियों कुछ स्पष्ट दिख नहीं रहा इसलिए मैं स्टार बना देता हूँ। 84 की ओर बढ़ते हैं साथियों, तो 84 में देखो लिखा हुआ है कि रोहिणी एक अवबोधन छात्र के साथ सत्य के नहीं कर सकते हैं, एक शिक्षक है। इसका साथियों सही आंसर था उनके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, बी ऑप्शन सही है 84 नंबर का। 85 नंबर प्रश्न है साथियों कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की क्रियात्मकता का असफलता है इनके कथन पर बारे में, ये साथियों पूर्णतः आंशिक असहमत रहेंगे। अगला है साथियों इनकी सी ऑप्शन सही है 86 नंबर प्रश्न है साथियों कि आपने विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो साथियों उनके लिए केवल अवसर प्रदान करेंगे, इनकी शिक्षण के अवसर प्रदान करेंगे। अगला है 87 नंबर प्रश्न है साथियों कि परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि है, तो साथियों व्याख्यान प्रदर्शन विधि सबसे उपयुक्त विधि होती है। अगला है अभिप्रेरणा तकनीकी का, तो इसके लिए साथियों हो जाएगा अधिगम परिस्थितियां। अगला रहेगा साथियों अपना 89 नंबर प्रश्न है, 89 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 89 नंबर प्रश्न देखिए साथियों इसमें लिखा है कि शिक्षक की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उनको दिशा दिया जाना चाहिए। तो साथियों शिक्षक नवाचारों के सत्र में उपयोग करने के परीक्षण के लिए होते हैं, उनके सही आंसर रहेगा सी। अगला है साथियों 90 नंबर प्रश्न है कि संप्रेषण की प्रक्रिया सही क्रम है, तो संदेश प्रेषक श्रोता संग्रही इनकी सही ऑप्शन रहेगा इसका बी। अगला है साथियों गृह कार्य देना का उद्देश्य है, तो उसमें कि छात्रों की अध्यापन के प्रति आदत डालना, सी ऑप्शन सही है। 92 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे, डी ऑप्शन सही है। अगला है साथियों कक्षा कक्ष संप्रेषण बाधाएं है, तो भाषा के में कक्षा कक्ष में अधिकतम बाधा भाषा के लिए 93 का ए सही है। 94 है साथियों कि निम्न एक सार्वभौमिक रूप से संतुलित अध्यापक में निम्नलिखित में कौन सा सैल गुण दिखाई देता है, तो अन्य लोगों के उसको अभिप्रेरित करते हैं, वो अपने संवेगों को जानते हैं और दूसरों को समझते हैं, वो दूसरों की प्रतिक्रिया जो आने वाली उनका अवलोकन कर सकते हैं, वो दूसरों के साथ सहानुभूति का व्यवहार करते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है साथियों 95 नंबर प्रश्न है कि एक छात्र नियमित रूप से विद्यालय में देरी से आ रहा है, तो आप उसकी क्या करेंगे। हमेशा देरी लेट आता है, तो देरी के आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, फिर उसका समाधान
करेंगे, सी ऑप्शन सही है। अगला है साथियों कि एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों की एक विषय वस्तु प्रायोगिक मूल्यांकन करता है, तो साथियों इसका साथियों सही आंसर रहेगा उसके प्रस्तुति के आधार पर, कौशल विकास के आधार पर। अगला है साथियों कि इसका सी ऑप्शन सही है। अगला है 97 नंबर प्रश्न है साथियों अपना कि कक्षा के प्रभावशाली बालकों का ज्ञान संवर्धन हेतु क्या करेंगे, तो विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करेंगे, चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे इनके, उनको चुनौतीपूर्ण कार्य देकर उनके और प्रभावशाली छात्रों को और तो उनके ज्ञान को बढ़ाएंगे। अगला है साथियों 98 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें साथ ही दो कथन देखें कि निर्णय करना विकल्पों में एक समूह इसका चयन करना है, और दूसरा है कि निर्णय करना सदैव परिस्थिति में संबंधित होता है, तो इसका सही है कि और वह दोनों, निर्णय करना एक समूह है जिसमें अपन अपने आप को जो कोई भी चीज़ है उसमें से क्या चीज़ लेनी मतलब कैसे काम करना है, और दूसरा है कि जब परिस्थिति आती है तभी निर्णय लेते हैं। अगला है साथियों 99 नंबर प्रश्न है कि प्रधान अध्यापक कैसा होना चाहिए, तो साथियों कौशल युक्त प्रशासक होना चाहिए प्रधान अध्यापक। और अगला लास्ट प्रश्न था साथियों 100 नंबर प्रश्न है कि अधिगमकर्ता को निम्नलिखित प्रमुख कारक जो उनके अधिगम को प्रभावित करते हैं उनके लिए साथियों था कि शारीरिक और मानसिक। तो साथियों आपको 100 प्रश्नों का मैंने सटीक आंसर बता दिए हैं, आपके कितने प्रश्न सही हुए इनके लिए आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और साथियों हम आप ही के कमेंट के आधार पर अगले वीडियो और जो शेष रह गए उनको अपलोड कर देंगे। उसके बाद में आपकी कितनी कट ऑफ रहेगी इस कट ऑफ का हम कमेंट के आधार पर आपके पूरा निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन से विद्यार्थी इन कितने विद्यार्थियों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कौन से कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं। तो साथियों अपनी कैटेगरी और अपने कमेंट में अपने आंसर जरूर बताएं, इस आधार पर हम आपकी कट ऑफ का एक वीडियो बनाएंगे कि कौन से सत्र में कितनी कट ऑफ रहने वाली है। साथियों आपको हमारा सेशन कैसा लगा इसके लिए आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ लाइक करना भी मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों बिल्कुल भी मत भूलिए, और साथियों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आने वाले समय में हम आपके लिए NTPC और ग्रुप डी का जो कोर्स है उसको हम शुरू करने वाले हैं एक दो दिन के अंदर अंदर। तो साथियों आप जितने ज़्यादा विद्यार्थी यदि इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रेलवे क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं या पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो भी साथियों इस सेशन के साथ आप उनके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए साथियों आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।